तो सबसे पहले आप लोग गाड़ी देख लो। तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, जो आपके स्टॉक डोमिनर आती है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो हम लोग ने क्लॉक किया है लगभग 23,000 किलोमीटर। अगर मैं टायर और बड़े लगा देता तो मेरी गाड़ी का जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो हम लोग ने आप लोगों को पहले ही बता दिया 250 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज़ वो टारगेट अचीव करा दो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नॉर्मल सी ओनरशिप रिव्यू। 25,000 किलोमीटर हम लोग ने अपनी गाड़ी की क्लॉक कर ली है, तो सारा का सारा उसी पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कि कितना अब तक की लेके खर्चा हुआ है। तो चलो चलते हैं। वो सबसे पहले बाइक देख लो, बाइक हो गई है बहुत ज़्यादा गंदी, और यहाँ पे अपना हेलमेट रखा हुआ है, साथ में GoPro माउंटेड है। तो देख लो ऐसा कुछ है। अभी फटाफट से हम लोग अपने बाइक को क्लीन करते हैं और फिर निकलते हैं, एक छोटी सी ओनरशिप रिव्यू करते हैं 25,000 किलोमीटर में कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है अपने बाइक में, अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल नहीं करने वाला हूँ कंसिडर, बिकॉज मेरे को भी याद नहीं है कि पेट्रोल कितना खर्चा हुआ रहेगा। तो गाड़ी कुछ ऐसी है, और अभी हम लोग फटाफट से गाड़ी को क्लीन करते हैं और फिर निकलते हैं। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट, और इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 250 लाइक्स। तो इसका जल्दी से एक और वीडियो आ जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 25,000 किलोमीटर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग ने उस बीच में कितना अपने गाड़ी पे मॉडिफिकेशन और ख़र्चा किया है, कितना कॉस्टिंग आया है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 250 लाइक्स का एम है, और इस पर हमें चाहिए लगभग 50 सब्सक्राइबर्स। तो होप करते हैं आप लोग वो कम्प्लीट करा दोगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो बाइक को कर दिया स्टार्ट, और इसमें एक्रा पोविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो कि मैं चेंज करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। अपना जो स्टॉक एग्जॉस्ट था वो डालने वाला हूँ, और आई एम सो सॉरी स्लीपर पहना है, जस्ट यहीं पे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं इस वजह से स्लीपर पहन रखा है। तो चलो फटाफट से चलते हैं हम लोग। भाई साहब गाड़ी बंद क्यों हो गई यार, जैसे ही मैंने इसको, तो ये एक दिक्कत है बड़ी, पता नहीं क्यों बंद हो गई गाड़ी। तो जैसे इस वीडियो में 250 लाइक्स हो जाएंगे और 50 सब्सक्राइबर का एम है वो आप लोग कंप्लीट करा दोगे, तो हम लोग आगे की एक और वीडियो बनाएंगे इस रिलेटेड, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के रिलेटेड, कितना खर्चा हम लोग ने किया इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो GoPro यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, और हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा वीडियो है मोबाइल से कवर करने वाले हैं, GoPro बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं वाले। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग गाड़ी देख लो। तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, जो आपके स्टॉक डोमिनर आती है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की हुई है, ये कम्प्लीटली अलग डोमिनर है। इसको हम लोग ने नाम दिया है एक्सप्लोरर किट वाली डोमिनर, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक ऑटोलॉक करके कंपनी है जो कि पुणे बेस्ड है, वो ये जो पार्ट्स है वो डिज़ाइन करती है। और इसमें और मॉडिफिकेशन के तौर पे और क्या कुछ लगा हुआ है मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो आप लोग ये बीक देख सकते हो, ये वाली बीक, और ये साइड फेयरिंग, तो ऐसा कुछ है। और आप लोग इधर पे वाइजर भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग जय श्री राम कमेंट सेक्शन में लिख देना और एक लाइक कर देना। तो आप लोग देख सकते हो इसमें एक्रा पोविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो अपना हेलमेट लगा हुआ है, साथ में GoPro। तो आज पूरा हम लोग मोबाइल से ही करने वाले वीडियो शूट। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि हम लोग ने कितना किलोमीटर हम लोग ने एक्चुअली क्लॉक किया है, तो आप लोग देख लो। तो हम लोग ने क्लॉक किया है लगभग 23,000 किलोमीटर, 23,185 किलोमीटर अभी तक हम लोग ने क्लॉक कर लिया है। तो हमारे ओनरशिप रिव्यू में हम लोग इतना ही कुछ बताने वाले हैं कि कितना खर्चा हुआ है इस गाड़ी में अब तक 23,000 किलोमीटर क्लॉक करने के बाद। यहाँ पे हेडर भी आप लोग देख सकते हो, जो स्टॉक का जो हेडर आता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है, इसमें मॉडिफाई हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एग्जॉस्ट भी आप लोग, तो
ऐसा कुछ है। बाकी आप लोग सर्विसिंग कॉस्ट की बात करो तो इसमें सर्विसिंग कॉस्ट लगभग पकड़ लो 1300 तक जाता है एक नॉर्मल सर्विसिंग में, अगर आप लोग इंजन ऑयल चेंज नहीं कर रहे हो तो। और क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे, हम लोग ने मोबाइल माउंट लगवा के रखा है बोबो का, वो लगभग 1000 रुपीज़ में मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग Insta360 माउंट कर सकते हो जो आपको लगभग पड़ता है 800 to 900 रुपीज़ में। और बाकी हम लोग ने एक टैंक ग्रिप भी लगवा रखा है अलग से, ये स्टॉक में नहीं आता है, नॉर्मल टैंक ग्रिप आता है, मैंने ये प्रो ग्रिप का लगवाया हुआ है, नॉर्मल है कुछ, मेरे को पड़ा था 500 रुपीज़ में ये वाला ग्रिप। बाकी और कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है। हाँ, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अभी अगर आप लोग ये बाइक ख़रीदते हो ना तो ध्यान रखो, मैंने तो मतलब जो गाड़ी आती है स्टॉक उसमें लेग गार्ड तो रहता ही है, बट मेरे को, मैंने ये इंस्टॉल किया है ना पूरा एक्सप्लोरर किट, इस वजह से मेरे को लेग गार्ड को निकालना पड़ा। यहाँ पे आप लोग बोल्ट देख सकते हो, एक्चुअली मैं उसको बाद में इंस्टॉल करवाऊंगा लेग गार्ड को, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ की वजह से, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी गिर गई तो ये लगभग 20,000 का जो आपका एक्सप्लोरर किट आता है ना वही डैमेज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है। बाकी हाँ, मैं एक चीज़ पॉइंट करना भूल गया, तो 23,000 किलोमीटर क्लॉक करने के बाद मेरे को एक छोटा सा और एक खर्चा आया था जिसको हम लोग बोलते हैं चेन पॉकेट, पूरा का पूरा किट आता है चेन पॉकेट के साथ और चेन, तो ये लगभग पड़ा था 2800 या 700 में। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन और पार्ट्स का चेंज हुआ है 23,000 किलोमीटर में। और जो मैंने एक लास्ट सर्विसिंग कराई है अपनी गाड़ी में, वो पकड़ लो लास्ट सर्विसिंग मैंने कराई थी अभी रिसेंटली, कुछ महीना भी नहीं हुआ था, तो 1300 रुपीज़ समथिंग गया था। तो आप लोग सोच सकते हो इतना चीप में हो गया, मतलब 23,000 कुछ किलोमीटर होता है तो बजाज बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है अगर आप लोग को, और इस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी तो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट बाइक है इस पॉइंट, इस प्राइस पॉइंट पे। जब मैंने ली थी तो मेरे को पड़ी थी लगभग 272,000 में, तो इतना कुछ मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। बाकी जो मैंने और एक मॉडिफिकेशन करा है, आई डोंट नो मैंने वीडियो में कवर किया या नहीं, हैजर्ड लाइट आप लोग बोल सकते हो, तो मैं चालू करके आप लोग को एक बार ही दिखा देता हूँ हैजर्ड लाइट। डोंट नो दिन में कैप्चर होगा कि नहीं, इतना थ्रो नहीं है, होप सो हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ हैजर्ड लाइट मैंने लगवाया, लगभग मेरे को पड़ा था 1700 समथिंग अराउंड पड़ा था। हाँ, तो और एक चीज़ मैं बता दूँ यार, इसमें बंदे ने पता नहीं कौन सा ब्रेक पैड डाल दिया है, KTM का बोल के शायद से डुप्लीकेट ब्रेक पैड डाल दिया है, जिसका ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है ब्रेक मारो तभी, तो ये शायद से गारंटी 100% डुप्लीकेट वाला डाला है, बहुत ज़्यादा हर बारी ब्रेक मारता हूँ तभी आवाज़ आता है, तो इसको मैं बाद में चेंज कराने ही वाला हूँ। तो बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का टारगेट है 250 लाइक्स का, तो 250 लाइक्स कंप्लीट ज़रूर से करवा देना आप लोग, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, तो फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बाइक कितनी प्यारी दिख रही है। तो सबसे बड़ा फटका जो मैंने बेयर किया है अभी तक वो है टायर के ऊपर, तो ये मिशलिन की टायर है 2023 एंड की है, 12,500 में मेरे को दोनों टायर आ गए थे। और बाकी आप लोगों को मैंने जैसे ही बताया कि मेरा जो टायर है सबसे एक्सपेंसिव था, मैं जितनी भी सर्विसिंग कराया हूँ मेरे को हार्डली 2700-2800 से ऊपर कभी नहीं गई है, अगर आप लोग लमसम पकड़ोगे ना तो 3000 के ऊपर कभी भी गई नहीं है, मतलब अगर आप लोग इंजन ऑयल भी पकड़ लोगे ना तो आप लोग का 3100 तक हो जाएगा। बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर से ही इंजन ऑयल डालता हूँ, जो 3 सर्विसेस होती हैं वही मैंने बजाज में इंजन ऑयल चेंज कराया था, बाकी जितने भी अभी तक कराए हैं 3 से 4 सर्विसिंग मैंने बाहर कराया, तो उसमें मैंने हर 5000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज किया था, जो लगभग आप लोगों को पकड़ लो 1800 या 1900 तक का आपको इंजन ऑयल आ जाता है मोटुल का जो इसमें लगता है। बाकी तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फिर आप लोग की नज़र पड़ेगी इसमें हम लोग ने एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, सो ऑब्वियसली ये ओरिजिनल एक्रापोविक का एग्जॉस्ट नहीं है, ये डुप्लीकेट है, मतलब आप लोग रेप्लिका बोल सकते हो, रेप्लिका में भी पता नहीं कितना वर्जन वाला रहेगा, तो ये लगभग मुझे पड़ा था 3000 में फिटिंग के साथ पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा बेकार आवाज़ आती है, इसको स्टॉक बहुत ही जल्दी करवाने वाला हूँ बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये,
ऐसे छपरियों जैसी आवाज़ आती है, मैं ज़रूर से इसको चेंज कराने वाला हूँ। तो ये आइडल पोजीशन में साउंड है, तो आइडल पोजीशन का साउंड ऐसा है। अभी मैं थ्रॉटल देता हूँ और फिर आप लोग को सुनाता हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, ये इसका एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों बंद हो जा रही है गाड़ी। जैसे मैंने थ्रॉटल दिया वैसे ही गाड़ी बंद हो जा रही है। तो आरपीएम ड्रॉप हो रही है इसकी और गाड़ी गिर ना जाए। तो ऐसा कुछ साउंड आ रहा है। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में कवर करने के लिए, और मैंने कुछ भी अलग से खर्चा नहीं करवाया गाड़ी में, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख सकते हो कि इसका जो आपका एक्सप्लोरर किट आता है उसका और दो टायर चेंज कराए हैं, जो कि लगभग 2500 में पड़े थे, और एक्रापोविक का एग्जॉस्ट जो कि मुझे लमसम अराउंड पड़ा था 3000, जैसे कि मैंने बताया सारा फिटिंग के साथ। और ये तो आप लोग मोटा मोटा पकड़ के चलो 45,000 का मैंने इसमें खर्चा किया है। तो ऐसा कुछ था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।